हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 78, इंग्लिश क्लास 10। क्वेश्चन 1, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें ये स्टोरी का पार्ट पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। समटाइम्स द बस सीम्स ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि जो बस है वो चल रही थी और वो किसी पॉइंट पे अनदर व्हीकल पे लग रहा था कि उसके आसपास जा रही थी। दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम। जो मतलब एक तरफ से ये वाली की बस जा रही है ना, दूसरी तरफ से दूसरी गाड़ियां आती है, लगता था उसके आसपास जो है उसको पत्थर भी क्रॉस करते हुए इस तरह से निकल रही है। और पेडेस्ट्रियन या उनको जो क्रॉस कर रहे हैं रोड को, उनको क्रॉस कर रही है। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली। किसी तरह से वो स्मूथली निकल जाती है, लिविंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स। जो भी बाधाएं आती है रास्ते में, गाड़ी आ रही है, पैदल वाले यात्री आ रहे हैं, उनको पार करती हुई गाड़ी उन बाधाओं को पार करते हुए सेफली उनको छोड़ते पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। ट्रीज केम रनिंग। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रीज दौड़े हुए आ रहे हैं। ट्रीज दौड़े हुए कैसे आते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, गाड़ी चलते तो हमें लगता है कि ट्री मूव कर रहे हैं, है ना। बट देन स्टॉप एज द बस रीच्ड। जैसे ही बस पहुंची वो भी लगता है कि स्टॉप हो गए। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड। और ऐसा लगता है कि साइड में खड़े हैं वो ट्रीज, हेल्पलेस खड़े हैं रोड के साइड पे, बिफोर रशिंग अवे इन अनदर डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से बता रहा है कि वो गाड़ी की डायरेक्शन बताई गई है, गाड़ी कैसे चल रही है और उसके आसपास के नजारे के बारे में बताया गया है। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। अचानक वल्ली जो है अब तालियां बजाने लगती है खुशी के मारे, क्योंकि एक यंग काउ, छोटी सी प्यारी सी गाय, टेल हाई इन द एयर और अपनी पूंछ उठाए, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ बस, बस के सामने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस धीरे धीरे स्लो हुई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तेज से, बार बार पी पी पी, ताकि वो जो काउ थी वो हट जाए। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। स्टेट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम। ये जो लाइन आई थी कि ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, ये क्या है? सिमिले है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है या अलिटरेशन है? दिस इज पर्सोनिफिकेशन। नाउ बी पार्ट, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू। हमें वो ऑप्शन देखने हैं जो कि ट्रू नहीं है। चलिए देखते हैं। द बस पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स। हाँ, ये तो ट्रू है कि बस ने सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती गई, तो ये ट्रू है। द ड्राइवर हॉन्ग एट काउ व्हेन शी वाज ऑब्स्ट्रक्टेड इट्स वे। ड्राइवर ने काउ को हॉन्ग किया है ना, मतलब वो हॉर्न बजा रहा था जब उसके रास्ते में आई। क्या ये सही है? यस, ये भी सही है। वल्ली वाज अकंपनीड बाय हर मदर ड्यूरिंग द जर्नी। वल्ली अपनी मम्मी के साथ थी? नहीं, वो तो अकेली थी। द बस हिट द काउ, बस ने काउ को मार दिया और तेजी से आगे बढ़ गई। ऐसा नहीं है, ठीक है। वल्ली वाज डिस्टर्ब टू सी द काउ राइट इन फ्रंट ऑफ बस। बस के सामने काउ आई तो वल्ली परेशान हुई थी क्या? नहीं, वो तो खुश हुई थी ना। क्या हुई थी बताइए? यस, ग्ली, खुश हुई थी। तो ये भी आंसर नहीं है। नाउ द बस मूव्ड स्लोली व्हेन द काउ केम राइट। बस जब सामने आई, काउ सामने आई तो बस धीरे धीरे हटी वहां से, तो ये ठीक है। द बस अप्रोच्ड अनदर व्हीकल्स दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स इट। जो गाड़ी दूसरी तरफ से आ रही थी, बस ऐसा लग रहा था उसके बिल्कुल पास से जाती हुई निकल रही थी, स्मूथली मूव कर गई, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? 3, 4, 5, यानी कि आंसर होगा हमारा 3, 4, 5, सी आंसर, है ना। चलिए सी पार्ट करते हैं।
पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाई फैक्ट्स, कौन से फैक्ट्स हैं और कौन से ओपिनियन हैं। चलिए, आई थिंक वल्ली वॉज क्वाइट इनसेंसिटिव एज शी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसने अपने हाथ मतलब अपनी ताली बजाई, व्हाइल द हेल्पलेस काउ सामने आ गई थी। ठीक है, तो इनसेंसिटिव तो नहीं थी बट ओपिनियन नहीं है ये। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स में जो भी हो गया, बट दिस इज फैक्ट। ओपिनियन होता है किसी की राय होना। ओ नो, वल्ली वॉज जस्ट अ कीन ऑब्जर्वर एंड अ फेयरली कॉन्फिडेंट चाइल्ड, बहुत ही कॉन्फिडेंट चाइल्ड थी जिसने प्लान कर रखी थी। हाँ जी, ये तो फैक्ट है कि वो कॉन्फिडेंट थी। नाउ इवन आई फील इट वॉज शियर इनोसेंस ऑन द पार्ट ऑफ वल्ली विच मेड हर हैप्पी ऑन विटनेसिंग अ रनिंग कार। हाँ, मुझे भी ऐसा फील होता है, यानी किसी की फीलिंग क्या है, एक तरह का ओपिनियन है। नेवरदलेस वल्ली वॉज हैप्पी, खुश थी, फिल्ड विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, व्हाइल शी विटनेस द रनिंग काउ, जब वो रनिंग काउ को देख रही थी। तो ये क्या है, मतलब इसमें जो ये मीनिंग से ओपिनियन निकल के आ रहा है। तो यानी ए और बी फैक्ट है और सी और डी ओपिनियन है, तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट जर्नी, फर्स्ट बस जर्नी से उसको क्या इंफॉर्मेशन मिली। इंफॉर्मेशन दैट शी कलेक्टेड वॉज द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, इतनी दूरी पे था, एंड इट टुक 30 paise वन वे, एक वे में 30 paise लगते थे, और उसको ये भी पता चला कि वन वे राइड वॉज 45 minutes, एक तरफ का रास्ता 45 minutes का। क्वेश्चन 3, नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। नेवर माइंड, उसने कहा कि मैं उठ गेट ऑन हो सकती हूँ, आई डोंट हैव टू हेल्प, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी मदद मत कीजिए। ये वली ने कंडक्टर से कहा। वली इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट तो थी ही, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी थी, करेजियस भी थी। व्हाइल शी ट्रेवल्स अलोन, जबकि वो बस में अकेले ट्रेवल कर रही थी। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हर कैरेक्टर, राइट हाउ करेज, मतलब आपको लिखना है कि कितना साहस, कितना ग्रीट, कितना डिटर्मिनेशन जो है, मतलब साहस, करेज, ग्रीट, डिटर्मिनेशन, ये सब किसी को भी अपने सपनों को प्राप्त करने में, मंजिल को प्राप्त करने में मदद करते हैं, चैप्टर की सहायता से आपको बताना है। तो आंसर है वली इज एन 8 years ओल्ड विलेज गर्ल, गाँव की लड़की है। She is fascinated by the bus that comes to the village. जो गांव में बस आती है उसको देख के उसको अट्रैक्ट हो जाती है, हर घंटे आती थी। She develops a desire, अब उसकी इच्छा होती है, and then a longing turning into a firm determination, एक इच्छा धीरे धीरे determination, संकल्प में बदल जाती है कि वो भी बस की सवारी करेगी। She meticulously plans, वो प्लान कर लेती है इसके लिए, सेव्स मनी फॉर द बस जर्नी, बस जर्नी के लिए पैसे बचाती है पॉकेट मनी से। देन शी बोर्ड्स द बस विदाउट एनीवन्स हेल्प, बस में चढ़ जाती है बिना किसी की हेल्प के। शी ट्रेवल्स ऑल अलोन, और अकेले ट्रेवल करती है, उसके फैमिली का कोई सदस्य नहीं होता है। कॉन्फिडेंटली ट्रेवल करती है, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट होती है, फाइनली रिटर्न्स होम, और फिर घर आ जाती है सक्सेसफुली। हर सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर, देखिए खुद पर डिपेंडेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी थी, ड्राइवर कंडक्टर से उसने हेल्प नहीं ली थी। ठीक है, हेल्प हर टू नेचर हर गोल, इसी की वजह से वो अपने गोल को प्राप्त कर पाती है। शी इंजॉयस हर जर्नी, वो अपनी जर्नी को बहुत इंजॉय करती है। सिमिलरली टू अचीव गोल्स इन लाइफ, इसी प्रकार से लाइफ में, जीवन में अगर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, वी नीड टू हैव सच वैल्यूज, हमारे अंदर भी डिटर्मिनेशन, ठीक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होना चाहिए। वन शुड बी कॉन्फिडेंट, और हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग हो, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन हो, अगर ये सब चीजें होंगी तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी।
enthusiasm and excitement to achieve the goal are also needed. अगर हमारी लाइफ में जो गोल है उनको प्राप्त करना है तो उसके लिए हौसला और एक्साइटमेंट भी होना जरूरी है, वरना लाइफ तो बोरिंग होगी और लक्ष्य को प्राप्त करने में भी कठिनाई आएगी. That's all for today. Thank you students and keep watching. Also subscribe our channel Eduvilla Point. Bye bye. Jai Hind.